हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट मतलब 30,000 प्राइस सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट होता है जिसमें प्रॉपर कैमरा सेंटर के स्मार्टफोन मिल सकता है। इसके अलावा फ्लैक्सी परफॉर्मेंस भी मिल जाता है। देखो, कैमरा क्वालिटी तीन चीजों पर डिपेंड करती है: कैमरा सेंसर, कैमरा ऑप्टिमाइजेशन एंड परफॉर्मेंस। एनीवे, इस वीडियो के लिए काफी रिसर्च और टाइम दिया है एंड देन उसके अकॉर्डिंग टॉप और स्मार्टफोन सिलेक्ट किए हैं जो आपको 30,000 सेगमेंट में कैमरा वाइज बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आपको 200 मेगापिक्सल ओआईएस कैमरा मिलेगा विद 4K वीडियो रिकॉर्डिंग। इसके अलावा स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 फ्लैगशिप सीपीयू भी मिलेगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, सो बने रहिए। बट गाइस, सर आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये एकदम फ्री है, सो प्लीज कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पहले डिवाइस की जो आता है मेरी लिस्ट में रेडमी की तरफ से, रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G। रिसेंटली लॉन्च किया गया लेटेस्ट फोन है एंड ये रेडमी नोट सीरीज का वन ऑफ दी बेस्ट स्मार्टफोन है और इसको नोट 12 प्रो प्लस के कॉम पर काफी अपग्रेड किया गया है। 8+256GB बेस ब्रांड से आता है और इस फोन के बैक साइड में ट्रायंगल शेप ट्रिपल कैमरास मिलेंगे। प्राइमरी लेंस 200 मेगापिक्सल का दिया गया है विद OIS जो सैमसंग के SOL HP3 सेंसर के साथ आता है। साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस मिलेगा। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी गई है। इसके बैक कैमरे से 4K 30fps एंड सेल्फी कैमरे से 1080p 60fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी बेस्ट मिलती है इन दिस प्राइस सेगमेंट। डेलाइट कंडीशन में अच्छा खासा परफॉर्म करता है। 4K रिकॉर्ड करते टाइम OIS प्लस EIS दोनों प्रॉपर वर्क करते हैं जिससे आपको काफी स्टेबल वीडियो आउटपुट मिलेगा। दोस्तों, अगर बाकी स्पेक्स की बात करूं तो इस फोन में 6.67 इंच का 1.5K कॉप्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंच। 120Hz फास्ट रिफ्रेश सपोर्ट करता है एंड ये रेडमी नोट सीरीज का इकलौता फोन है जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑफर करता है। साथ में डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन, 1800Hz ब्राइटनेस, HDR 10+ सपोर्ट, डॉल्बी विजन एंड ये 12-bit पैनल है, मतलब 68 बिलियन कलर्स मिलते हैं। डिस्प्ले टॉप क्लास मिलेगा नो डाउट। बैक साइड में वीगन लेदर डिजाइन दिया गया जो 2-3 कलर्स के कॉम्बिनेशन के साथ आता है लाइट कलर्स में। इसमें आपको परफॉर्मेंस दिया गया है MediaTek Dimensity 7200 Ultra जो ओनली 4nm आर्किटेक्चर बेस्ड CPU है, 7.5 लाख के अराउंड स्कोर आता है। प्राइस के अकॉर्डिंग डिसेंट परफॉर्मेंस निकाल के देगा। मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो, 60fps ऑप्शन मिलता है, COD BGMI 60fps पर रन कर सकते हो। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि MIUI 14 पर बेस्ड है और LPDDR5 रैम UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिलेगा। डुअल सिम स्लॉट दिया गया है, 2 सिम लगा सकते हो, SD कार्ड एक्सपेंड नहीं कर सकते। 3 साल तक OS अपडेट्स एंड 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेगा। इसमें 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 120W अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इन द बॉक्स अडेप्टर भी मिलेगा। बाकी इसमें IP68 रेटिंग, डुअल स्टीरियो स्पीकर और NFC का सपोर्ट भी मिलेगा। तो ये 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है और इस फोन की प्राइस है 31,999 बट इंक्लूडिंग बैंक ऑफर आप इस फोन को अंडर 30K डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है वीवो की तरफ से, वीवो V27 5G। ये सेगमेंट में वीवो का दी बेस्ट कैमरा सेंट्रिक फोन है, साथ में काफी लाइट वेट एंड स्लिमेस्ट भी है। डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो या फिर इसकी जगह वीवो के V29 5G को भी चेकआउट कर सकते हो, सेम प्राइस पर मिल जाएगा। 8+128GB बेस ब्रांड से आता है और इस फोन के बैक में ट्रिपल कैमरास मिलेंगे। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है विद OIS जो फ्लैगशिप कैमरा सेंसर IMX766 को लेकर आता है। साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस मिलेगा। फ्रंट साइड में 50 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी। इसके बैक एंड फ्रंट दोनों ही कैमरे से 4K 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा इसका जबरदस्त परफॉर्म करता है डिलाइट कंडीशन में। बैक एंड फ्रंट दोनों साइड से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। OIS के साथ काफी स्टेबल वीडियो आउटपुट मिलेगा। दोस्तों, अगर बाकी स्पेक्स की बात करूं तो इसमें 6.78 इंच का FHD+3D कॉप्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंचोल। 120Hz फास्ट रिफ्रेश सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और ये HDR सपोर्ट करता है, मतलब HDR कंटेंट प्ले कर सकते हो। बैक साइड में ग्लास मिलेगा विद मैट फिनिश। ये काफी स्लिम एंड लाइट वेट फोन है। इस फोन के अंदर परफॉर्मेंस दिया गया है MediaTek Dimensity 7200 जो एक 4nm आर्किटेक्चर बेस्ड CPU है। Snapdragon 778G और Dimensity 8200 दोनों के बीच में स्टैंड करता है। 6.5 लाख के अराउंड स्कोर आता है। मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो बट डिसेंट गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि फन टच OS 13 पर बेस्ड है और इसमें रैम टाइप LPDDR5, स्टोरेज टाइप UFS 3.1 मिलेगा। 12 सिम स्लॉट दिया गया है। इसमें 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 66W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें सिर्फ सिंगल स्पीकर मिलेगा। तो ये 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है और इस फोन की प्राइस है 32,999 बट इंक्लूडिंग बैंक ऑफर आप इस फोन को 30,000 से 31,000 रुपए में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है आइको की तरफ से, आइको नियो 7 प्रो 5G। ये सेगमेंट का वन ऑफ दी बेस्ट परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है जो फ्लैगशिप सीपीयू ऑफर करता है। तो आइको फोन जनरली परफॉर्मेंस सेंट्रिक होते हैं जो वीवो का एक सब ब्रांड है। वीवो बेसिकली डिजाइन और कैमरा पर फोकस करता है। परफॉर्मेंस के लिए वीवो ने आइको को इंट्रोड्यूस किया था बट इस फोन के अंदर परफॉर्मेंस के साथ साथ कैमरा को भी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया जिससे प्राइस के अकॉर्डिंग कैमरा क्वालिटी दी बेस्ट मिलती है। 8+128GB बेस ब्रांड से आता है। इस फोन के अंदर बैक साइड में ट्रिपल कैमरास मिलेंगे। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है विद OIS
प्लस जो सैमसंग के GN5 सेंसर के साथ आता है, साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का मैक्रो लेंस मिलेगा। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके बैक कैमरे से 4K 60fps एंड सेल्फी कैमरे से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी अच्छी खासी मिलती है, डेलाइट कंडीशन में ठीक ठाक परफॉर्म करता है, 4K 60fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, OISP प्रॉपर वर्क करता है, काफी स्टेबल वीडियो आउटपुट मिलेगा। दोस्तों अगर बाकी स्पेक्स की बात करूं तो इसमें 6.78 इंच का FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंचोल, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसमें सिक्योरिटी के लिए अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 300 हर्ट्ज TSR, 1300 हर्ट्ज ब्राइटनेस, HDR10 सपोर्ट और ये PWM डिमिंग को भी सपोर्ट करता है। बैक साइड में वेगन लेदर ध्यान मिलेगा। इस फोन के अंदर परफॉर्मेंस दिया गया है जो इसका सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग फीचर है, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 जो एक फ्लैगशिप CPU है, ओनली 4nm आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, 1.3 मिलियन अंतत स्कोर आता है, 90fps पर BGMI रन कर सकते हो, एक्स्ट्रा गेमिंग के फीचर्स भी मिलते हैं, फ्लैगशिप गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा नो डाउट। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि फनटच OS 13 पर बेस्ड है और LPDDR5 RAM UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिलता है, 12 नैनो सिम स्लॉट दिया गया है। इसमें 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 120W अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और i52 की रेटिंग मिलती है। तो ये 8GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है, आपको बजट थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसकी एक्चुअल प्राइस है 32,999 बट इंक्लूडिंग बैंक ऑफर आप इस फोन को 31,000 रुपए में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो फाइनली नेक्स्ट और लास्ट स्मार्टफोन आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी S21 FE स्नैपड्रैगन वेरिएंट। ये सैमसंग का एक फ्लैगशिप फोन है जो 30,000 सेगमेंट में दी बेस्ट कैमरास ऑफर करता है। 8 प्लस 128GB बेस ब्रांड से आता है और इस फोन के बैक साइड में अगेन ट्रिपल कैमरास मिलेंगे। प्राइमरी लेंस 12 मेगापिक्सल का दिया गया है विद OIS, साथ में 12 का अल्ट्रा वाइड और 8 का टेलीफोटो लेंस मिलता है जिससे आप 3x ऑप्टिकल जूम कर सकते हो। फ्रंट साइड में 32 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके बैक एंड फ्रंट दोनों ही कैमरे से 4K 60fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते, बेस्ट कैमरा क्वालिटी मिलेगी, फ्लैगशिप कैमरा एक्सपीरियंस कर सकते हो नो डाउट। दोस्तों अगर बाकी स्पेक्स की बात करूं तो इसमें 6.4 इंच का FHD प्लस डायनेमिक AMOLED 2X डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंचोल, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसमें सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 240 हर्ट्ज का TSR, HDR10 प्लस सपोर्ट, 1300 हर्ट्ज ब्राइटनेस और डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास वेक्टर्स की प्रोटेक्शन मिलती है। सैमसंग का फ्लैगशिप डिस्प्ले दिया गया है। बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट डिजाइन मिलेगा विद मैट फिनिश। इस फोन के अंदर परफॉर्मेंस दिया गया है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 888 जो ओनली 5nm आर्किटेक्चर बेस्ड CPU, 7.5 लाख के अराउंड अंतत स्कोर आता है, मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो, गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा खासा मिलेगा बट ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, ये काफी हीट करता है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि 1UI 4.0 पर बेस्ड है, 12 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है और इसमें रैम टाइप LPDDR5, स्टोरेज टाइप UFS 3.1 मिलता है, 12 नैनो सिम स्लॉट दिया गया है, 4 साल तक OS अपडेट्स एंड 5 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेगा। इसमें 4500mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है बट सडनली अडेप्टर बॉक्स में नहीं मिलेगा। बाकी इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, नॉक्स सिक्योरिटी, 15W वायरलेस चार्जिंग और IP68 रेटिंग मिलती है। तो ये 8GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है, फिलहाल ये 40,000 के अराउंड शो कर रहा है बट डोंट वरी, ये स्मार्टफोन आपको 30 से 32 हज़ार रुपए में डेफिनेटली मिल जाता है। अगर आप कार्ड अप्लाई करते हो तो ये फोन आपको अंडर 30K मिल जाएगा, डेफिनेटली चेकआउट कर सके हो। तो ऐसे थे टॉप कैमरा फोन्स अंडर 30K, होप करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।